पीरियड में आपको पता ही नहीं है आपका ओवुलेशन टाइम है क्या। किसी का 40 दिन का साइकिल है तो भाई उसमें कहाँ से आप निकालोगे कि आपका ओवुलेशन टाइम क्या है। तो डॉक्टर ने बोला कि जब ऐसा होगा यानी कि आप 6 to 7 मंथ ट्राई करो, नहीं होगा। और उनको भी उम्मीद नहीं थी, सही बताऊँ, वो जिस तरीके से बोल रही थी ना वो मान चुकी थी नहीं हो, क्योंकि मेरा ओवर वेट भी था, थायराइड भी था, लिटिल वेट भी, सीओडी भी था, तो वो भी मुझे लग रहा था कि उनको होप नहीं है। तो मैं भी मान गई थी हाँ भाई नहीं ऐसा होना कुछ भी। तो उन्होंने बोला कि जो है जब ऐसा होगा ना तो फिर मैं आपको जो है हर दूसरे तीसरे दिन पे बुलाऊंगी, उसमें 3 से 4 इंजेक्शन लगते हैं और उसमें फिर वो एग्स की क्वालिटी को अच्छा करने के लिए होता है। तो लेकिन हाँ, वो डॉक्टर एक बार ट्राई करती हैं आपकी बॉडी पे वो इंजेक्शन कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि किसी किसी को दिक्कत भी होती है उससे। तो फिर मैंने बोला फिर मैं उसके बाद क्या करोगे आप, तो उन्होंने बोला कि उसको मैं 3 से 4 दिन आपको लगातार बुलाऊंगी और फिर उसके बाद जो है शायद आई थिंक 10th या 12th डे पे बुलाएंगे, ताकि वो 14 डे से पता चल जाए कि आपका एग्स रप्चर हो गया नहीं हो गया। फिर वो आपको डेज देते हैं, देन आपको उसमें ट्राई करना होता है, हो गया वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो कोई बात ही नहीं है। तो ऐसा था। तो मैंने कहा कि यानी इतना दिक्कत होगा। फिर उन्होंने बोला कि बेटा ये ऐसा नहीं कि आपको एक ही बार होगा, फर्स्ट जरूरी नहीं आपका फर्स्ट मंथ में ही हो जाए, इसलिए आप बहुत हिम्मत लेके चलो, क्योंकि देखो डॉक्टर हूं मैं इसलिए आपको क्लियरली बता। और उन्होंने अच्छा किया ये चीज़ क्लियर बता दिया, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें मेरे लिए फायदेमंद रही इतना टेंशन लेना। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो खैर उन्होंने मुझे उस दिन बोला कि मैं आपके लिए ना आज एक इंजेक्शन लगा के आपको भेज रही हूँ। तो जो वो लाइक एक्स की क्वालिटी को अच्छा करने के लिए इंजेक्शन लगाते थे, उन्होंने मेरे ऊपर एज अ ट्रायल डाल दिया था कि चलो ठीक है एक इंजेक्शन मैं अभी लगा के भेजती हूँ आपको, और उसके बाद जो है देखते हैं आपकी बॉडी पे कोई अगर दिक्कत होती तो मुझे बताना। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने जस्ट लाइक कुछ नहीं था, जैसे आपका जो शुगर में लगाते ना इंजेक्ट करते हैं टमी में, बस ऐसा ही एक इंजेक्शन था, उन्होंने लगा के मेरे को भेज दिया कि ठीक है जाओ। और हाँ, उन्होंने एक और दिया था जो कि नेक्स्ट डे लगाना था, तो उन्होंने बोला था खुद से लगाने को, बट मेरे को खुद से लगाने में डर लगा था, मेरे पास में एक लेडी डॉक्टर है तो मैं उनसे लगवा लिया था। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, अगर वो इतना कह रही तो कर। फिर मैंने उनसे पूछा भी कि मैम इसका मतलब मुझे अब आते रहना पड़ेगा चेक करने के लिए? बोले नहीं अभी कुछ भी नहीं आपको करना है, अब आप जाओ आराम से 6 मंथ तक ट्राई करो। तो मेरे मन में एक क्वेश्चन और था कि इसका मतलब अगर आज उन्होंने इंजेक्शन लगाया तो यानी कि नेक्स्ट मंथ भी लगाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं करना है, इट्स जस्ट मैं आपकी बॉडी पे देखना चाह रही थी कि वो क्या मतलब वर्क कर रहा है, और कोई मुझे कुछ चेक भी नहीं करना, अभी आप जाओ आराम से फ्री होकर के 6 मंथ ट्राई करो, उसके बाद नहीं होता है तब आप मेरे पास आना। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, जब इतना कहा है तो कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। फिर मैंने उसी टाइम पे अपना, फिर उन्होंने उस टाइम से मेरा थायराइड का इंजेक्शन स्टार्ट कर दिया था। और हाँ, एक चीज़ और बताना मैं भूल गई आपको कि जब मैं अपना पीसीओडी का दिखाने गई थी ना, तो उन्होंने तब से ही मान लिया था कि मुझे ट्राई करना है प्रेगनेंसी का, तो उन्होंने मेरे को फॉलिक एसिड एंड मल्टीविटामिन्स देना स्टार्ट कर दिया था। खैर मैंने खाया नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि मैंने तो उस टाइम सोचा भी नहीं था कि मुझे करना है। तो मैंने फिर यहाँ से स्टार्ट किया अपना फॉलिक एसिड की और मल्टीविटामिन की टैबलेट्स खाना, प्लस उन्होंने थायराइड का भी बोल दिया था कि बेटा क्योंकि अब आप ट्राई करने चल रहे हो तो थायराइड का भी मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज अगर आपको थायराइड शुगर ये सब होता है ना तो ये बच्चे में ट्रांसमिट होने का बहुत ज्यादा डर होता है, दैट्स वाई स्टार्टिंग से ही वो ट्राई कर देते हैं। तो उन्होंने मेरा जो है थायराइड का स्टार्ट किया था, तो जो मेरी जो थी आई थिंक 12.5 mg थी जो मैं खा रही थी स्टार्टिंग डोज, और उस टाइम पे जो मेरा जो थायराइड था वो 5.2 था, TSH आई थिंक 5.2 था, ऐसे कुछ था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैंने खाना शुरू कर दिया था वो दवा भी, देन हम मतलब एक अंदाजन जो बोलते हैं 40 डेज के बाद ट्राई करने को, तो वो सब तो जो भी था वो सब प्रोसेस अपना हुआ सारा। देन उन्होंने ये भी बोला था कि आप टेस्ट करना, और टेस्ट करना अगर कुछ आता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने तो होप नहीं थी, तो मैं भी मान के घर पे आ गई थी कि हाँ अब कुछ भी नहीं होना है। और मैंने तुरंत फ्लिपकार्ट से जो है एक कॉम्बो जो है मंगवा लिया था प्रेगा न्यूज का, कि भाई अब तो कुछ नहीं होना, अब तो मुझे 1 साल 2 साल अपने देने ही देने हैं। तो मैंने उसी हिसाब से 12 का कॉम्बो मंगा लिया कि चलो ठीक है अब ट्राई करेंगे देखा जाएगा। तो लेकिन हाँ, जब मेरी पीरियड्स की डेट आनी थी नेक्स्ट मंथ, यानी कि क्योंकि उन्होंने बोला था कि पीरियड्स आने की जो डेट होती है उसके 5 डेज बाद आप चेक करना, और हर मंथ ऐसे ही चेक करना, उसके बाद जो भी होगा अगर कुछ अच्छा हुआ तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ऑल द बेस्ट बोलकर उन्होंने भेज दिया। फिर मैंने जब मेरी पीरियड्स की डेट थी उसके 5 डेज पहले, क्योंकि मेरे को तो हो गई थी अंदर से चुल्ल, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इतनी वीडियोज इतना कुछ हम देख लेते हैं ना कि हम पागल हो जाते हैं। और आपको मैं अपने मन से सजेशन दे रही हूँ कि मत करना, हर कोई सजेशन करता है बट हम करते वही काम है। मुझे भी पता था कि मुझे नहीं देखनी है वीडियोज, बट मैं फिर भी सबके बैठ के एक्सपीरियंस देखती थी, सब कुछ देखती थी। और लकीली जब मैं लाइक अगर आज मेरे पीरियड्स की डेट आ रही तो आज से मैंने 5 डेज पहले टेस्ट कर लिया। मैंने टेस्ट किया एकदम हल्की सी लाइन, मतलब एकदम हल्की लाइन, मैं यहाँ फोटो लगा दूंगी उसकी आप देखना, मतलब 5 डेज पहले ही मैंने चेक कर लिया था जब मेरे से नहीं रहा गया था। तो एकदम पतली सी लाइन आई थी क्योंकि मतलब बस हल्का सा विजिबल था, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने तो दीदी से अपने डिस्कस नहीं किया था, तो मैं उसको भी नहीं भेज सकती थी। देन मेरी फ्रेंड थी जो कि उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी, तो मैंने उसको भेजा, तो उसने अपने हस्बैंड को दिखाया क्योंकि वो पैथोलॉजी है उनकी, तो उन्होंने जीजू ने बोला कि हाँ इसका है। तो जब उन्होंने बोला तो मुझे लगा कि नहीं यार फेक होगा, तो फिर मैंने बहुत सारी वीडियोज देखी तो उसमें बताते कि अगर आपका HCG उस टाइम पे बढ़ा हुआ था तो कभी कभी ऐसे भी दिखा देता है।
तभी मैंने उससे छोड़ो, मैंने अपने हस्बैंड को भेजा तो ही इज लाइक अरे हटो यार ऐसा कुछ नहीं होता, जो भाई डॉक्टर ने साफ साफ बोला है कि 6 महीने ट्राई करो फिर आना, इसका मतलब जाना तुम फर्जी की बात करती हो, तो वो भी नहीं मतलब माने। उसके बाद जो है फिर मैंने जब 7 यानी कि जिस दिन मेरा जो डेट था वो आना था मैंने उस दिन ट्राई किया, तो उस दिन थोड़ी सी डार्क लाइन हो चुकी थी तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा डाउट था। फिर मैंने तुरंत अपने डॉक्टर को मैसेज किया कि मैम ऐसा ऐसा है, मैंने उनको फोटो भेजा तो थोड़ा सा वो भी डाउट में रही होगी, तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है बेटा आप 5 डेज और हो जाने दो, अगर डार्क लाइन एकदम आ जाती तब आप मेरे पास आ जाना। तो फिर मैंने 5 डेज बाद चेक किया तो 5 डेज के मैंने 7 डेज ले लिया, उसके बीच में मैंने 2 बार टेस्ट किया, दोनों बार एकदम डार्क लाइन आई, तब मेरे को हो गया कि हाँ कुछ तो है। और आपको बताती हूँ कि जो मिरेकल हुआ है वो मैं भी आपको बताती हूँ, वो भी साथ में। देन मैं अपने डॉक्टर के पास गई तो मैंने उनको बताया कि मैम ऐसा ऐसा है, तो फिर उन्होंने बोला कि आपने टेस्ट किया है सारा कुछ सब कुछ सही है। और फिर उन्होंने जब अपना प्रॉपर एक सोनोग्राफी किया तो उसमें दिखा, एंड लकीली मेरा उस टाइम पे जो है सब कुछ दिख रहा था, सब कुछ सही था। एंड अच्छी बात ये थी कि बेबी की हार्ट बीट आ चुकी थी, क्योंकि 1 वीक से ज़्यादा हो चुका था तो इतने में हार्ट बीट आ जाती है। तो उन्होंने बोला कि आपका जो बेबी का जो हार्ट है ना वो जस्ट अपीयरिंग था, यानी कि जस्ट एक दिन पहले या थोड़ी देर पहले अब जो है हार्ट बीट आई होगी ऐसा कुछ था। तो उन्होंने मेरे को 15 बार फिर से बुलाया, फिर मैं मेरे को कहीं जाना था तो मैं जा रही थी, तो उन्होंने बोला चलो ठीक है तुम दवा वगैरह मैं लिख देती हूँ जाओ आप, और जब वहाँ से आना तो उसके मुझे दिखाना, फिर से हम एक बार हार्ट बीट चेक करें, क्योंकि तुरंत तुरंत अपीयरिंग था तो उनको भी थोड़ा डाउट था। तो लकीली वो सारी चीज़ें हो गई। सो गाइस आप लोग को ना मैं एक बहुत ही फनी इंसिडेंट बताती हूँ कि जब मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी, लाइक जब मैंने अपना टेस्ट किया था उसका दिखाने गई ना, तो जो डॉक्टर के साथ रहती थी लड़की वो उसको तो स्टोरी पता ही थी सारी चीज़ें, तो शी इज़ लाइक प्रेगनेंट हो, मैंने बोला कि पता नहीं मैंने टेस्ट तो किया था, उसने देखा फिर मेरे से पूछा कि कितना टाइम हो गया, मैंने बताया तो उसने फाइल वगैरह पढ़ी रखी थी, बोली पहली बार ट्राई किया, मैंने बोला हाँ, बोली पहली बार में ही हो गया, मतलब उसका जो एक्सप्रेशन था ना वो ये था, और मुझे सच में बहुत हंसी आ रही थी जब वो ऐसे बोली पहली बार में ही हो गया, कहती अरे यार कॉन्ग्रेचुलेशन, पहली बार में होना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं मतलब उस चीज़ को जो सुनी ना तो मुझे लगा सच में यार बहुत, मतलब उस टाइम पर लकी फील हुआ मुझे कि हाँ मतलब मेरे ये 1-2 साल बहुत बुरे बीते, बट शायद भगवान ने मुझे बचा लिया उस बहुत बुरे टाइम से, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड में बहुत पेशेंस नहीं, मुझ में तो फिर भी है, मेरे हस्बैंड में बिल्कुल भी नहीं है, और वो तो मतलब इतना चाहेंगे भी नहीं कि इतना हमें झेलना पड़े। तो बट ठीक है यार, चीज़ें हो जाती हैं, अच्छे से हो जाती है, बट फिलहाल सब बढ़िया है। अब मैं आपको बताती हूँ मिरेकल मेरे साथ क्या हुआ था। जब मैं ना डॉक्टर के यहाँ से लौटी तो क्योंकि उसके कुछ दिन पहले ही मैंने मेरी सिस्टर से जो है कुछ गणपति जी का सुना था। एक्चुअली मैं सितंबर में आई थिंक गई थी जब दीदी के पास में अपने, तो उसके आसपास में सारी चीज़ें मेरे चल भी रही थी, तो सितंबर में वो था गणपति विसर्जन था, तो मैं अपनी दीदी के पास गई थी, विसर्जन वाले दिन दीदी ने हवन करवाया था, तो वहाँ जो पंडित जी थे ना तो दीदी ने मेरे उनसे कहा कि जो नारियल है ना वो आप हमें मत दे करके इन दोनों को दीजिए, यानी कि मुझे मेरे हस्बैंड को, और उनको आशीर्वाद दीजिए कि आप जब नेक्स्ट टाइम आए तो 2 से 3 हो करके आए। सो शायद वो उसका आशीर्वाद था या उसके मुँह से बोली हुई क्या बात थी कि वो चीज़ सच में सही हो गई। और जब मैं अपने घर आई ना वो नारियल लेकर के, वो नारियल सड़ चुका था, पूरा सड़ चुका था, और मैं पता नहीं क्यों जब उसको फेंकने जा रही थी ना तो मेरे मन में ऐसे आ रहा था कि यार दीदी ने कुछ कह के दिया था, तो मैंने सोचा चलो ठीक है यार खराब हो चुका कोई बात नहीं, मैंने इतना सा तोड़ के खा लिया, मतलब मन तो नहीं थी, हिम्मत नहीं थी मैंने, बट मैंने खा लिया, मैंने कहा कोई बात नहीं वो गणपति बप्पा का प्रसाद है वो जैसा भी मैं खा लेती हूँ, तो मैंने हल्का सा खा लिया था। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो दीदी का जो प्रे उसने किया था ना बहुत दिल से किया था, और सच में वो चीज़ लकी मेरे लिए साबित हुई। और मेरे मन में पता नहीं क्यों काफ़ी टाइम से था कि मेरे को गणपति जी का व्रत उठाना है, एंड मैंने जिस टाइम पे डॉक्टर के यहाँ से मैं आई थी ना फर्स्ट टाइम ये सुन करके कि PCOD है ये सब है, तो मैंने उस टाइम मन्नत मांग ली कि पप्पा मैं इस बार पहली बार ट्राई कर रही हूँ और मैं आपका 7 दिन का व्रत रखूंगी, और मैंने और इसी बीच में अगर मेरा कुछ भी हो गया तो मैं आगे भी कंटिन्यू करूंगी। एंड आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने अपना डाला था कि लाइक मेरा जो है 7 डेज का कंप्लीट हो चुका है गणपति बप्पा का, और मैंने उसका जो है उद्यापन भी किया था, जबकि गणपति बप्पा का जो व्रत होता है वो 21 दिन या 42 दिन का होता है, बट मेरे को पता नहीं था तो मैंने 7 दिन ही बस ऐसे मांग लिया था। एंड लकली गणपति बप्पा का व्रत रखते रखते 2 या 3 ही मेरा बीता था, तो ये सारी चीज़ें अच्छी सी गुड न्यूज़ मेरी आ गई थी। एंड उसके बाद मैंने गणपति बप्पा का जो है फिर वो व्रत का उद्यापन किया, मैंने फिर से 21 उठा लिए। तो मतलब मैं एक चीज़ बोलूँगी इस चीज़ में, कहीं ना कहीं इसमें शायद मेरे गणपति बापा को मेरे ऊपर दया भी आ गई थी, क्योंकि मैं 1-1.5 साल से बहुत कुछ झेल रही थी, तो मुझे मतलब पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि एक मेरे लिए मिरेकल ही था कि 80 kg वेट, उसके साथ में PCOD, थायराइड, इतनी सारी चीज़ें हैं उसके साथ में और भी टेंशन होने के साथ में, अगर मेरा फर्स्ट ट्रायल में ही हो गया तो बहुत मतलब ये मतलब मुझे मिरेकल से कम नहीं लगता, और आई थिंक आप भी सोचोगे कि हाँ ये मिरेकल ही होगा। तो मैं कहीं ना कहीं इसको मानती हूँ कि ये लक की भी बात नहीं बोलूँगी, मैं अपने गणपति बप्पा का आशीर्वाद ही मानती हूँ कि उन्होंने मेरी ये चीज़ सुन ली, क्योंकि जो नॉर्मल लोग हैं वो भी नहीं हो पा रहे हैं।
और इस बीच में ना मैंने कोमल सोनी से बात किया था, उससे भी मुझे बहुत हिम्मत मिल गई थी। आप लोग जानते होंगे कोमल को, बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो कोमल का एक्चुअली उस टाइम पे उसने अपना जो है सारा डिस्क्लोज भी किया हुआ था, तो मेरी कुछ दिन टाइम पहले बात हुई थी। मैं उसको एक्चुअली डॉक्टर सजेस्ट करने के लिए मतलब फोन की थी कि जो है ऐसे मेरी डॉक्टर है, क्योंकि वो अहमदाबाद तक अपना जो है इलाज करवा ही रही थी। तो फिर मैंने उसको बताया, तो फिर उसने बताया कि नहीं नहीं मेरा हो चुका है कंसीव। तो मैं बड़ी खुश हुई यार, क्या चलो यार अच्छी बात है। तो उस दिन मैंने कोमल ने मुझे इतनी हिम्मत दी थी ना, जब ये तब की बात है जब मैंने कंसीव नहीं किया था उस टाइम की बता रही हूँ, मुझे पता भी नहीं था कि मतलब उस मंथ मेरा कंसीव का है। तो कोमल ने मुझे रात के 12 बजे से 4 बजे तक हमने बात की, और उस बीच में हमने इतनी ज्यादा बातें की, उसने मुझे इतना समझाया था ना, मतलब एक हिम्मत मुझे उससे बहुत मिली थी। दैट्स व्हाई मैं अपनी स्टोरी इसलिए शेयर कर, वैसे चाहती तो मैं भी छुपा सकती थी इन सब चीजों को, क्योंकि मैंने मेरे घर में भी किसी को नहीं बताया है, अभी से मेरी दीदी को पता है और वह और किसी को भी नहीं पता आई थिंक। तो मतलब मैं चाहती छुपा सकती थी, और मुझे पता है बहुत सारे लोग छुपाते भी हैं अपनी सारी जर्नी, बट मुझे ये चीज़ बताने में कोई शर्म नहीं, क्योंकि क्योंकि अगर मैंने स्ट्रगल किया भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रगल नहीं भी किया तो भी कोई दिक्कत। इसके साथ ही ना मैं एक चीज़ और बोलना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग शर्माते हैं अगर वो IVF करवाते हैं, लोग उनको बहुत हीन भावना से देखते हैं कि अरे यार उनका तो IVF से हुआ। बट मुझे ऐसा लगता है आज के टाइम पे बच्चा हो जाना ये बहुत बड़ी चीज़ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने प्रेगनेंसी का कौन सा ट्रीटमेंट लिया है। अगर मेरा देखा जाए तो मेरा नेचुरली वो चीज़ें हो गई, वो लकीली पता नहीं कैसे जो भी मतलब बोलूँ भगवान की कृपा बोलूँ वो चीज़ें होगी, क्योंकि उस इंजेक्शन से तो कुछ भी नहीं होता, उन्होंने सिर्फ जस्ट एक इंजेक्शन दिया था, उन्होंने ये भी बोला था कि इससे कुछ नहीं, जस्ट मैं अपनी बॉडी पे सिर्फ चेक कर रही हूँ कि वो चीज़ क्या इफेक्ट करती है, क्योंकि लाइक मेरा PCOD था, तुरंत तुरंत वो चीज़ होना भी पॉसिबल नहीं था, बस उन्होंने एक डेट बता के भेज दिया था कि हाँ 14 डेज के बाद आप ट्राई करना। वो तो किसी ने नहीं पता क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं पीरियड्स का कुछ भी नहीं पता था। तो यार अगर आप लाइक ट्राई कर रहे हो, अगर आप IVF भी करवा रहे हो ना, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और कई लोग मेंटली इतने डिस्टर्ब होते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि शादी के 3 साल में ही लोग IVF करवाने लगे, इतने बेवकूफ लोग होते हैं। अब मैं क्या बोलूँ, नाम वगैरह क्या ही लूँ, बट मैं इतना ही बोलूँगी कि IVF तब होता है, एक लास्ट ऑप्शन होता है IVF, जब आपके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, कितने सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं, तब होता है लास्ट ऑप्शन, वो होता है IVF। ऐसा नहीं कि तुरंत ही डॉक्टर IVF करने लगते, क्योंकि जब मेरे डॉक्टर ने प्रोसेस मुझे बताया तो उसमें 3 से 4 चीजें थी बीच में उन्होंने बताई थी, एंड लास्ट वन इज IVF, जबकि वो IVF स्पेशलिस्ट थी, वो बोल सकती थी बेटा एक दो बार ट्राई करो नहीं तो मैं कर दूंगी। तो आप ये सब मत सोचो, बस आपके लिए जरूरी है बेबी, क्योंकि आज के टाइम पे हर एक चीज़ का इलाज है। हिम्मत रखो, थोड़ा सा निगेटिविटी से दूर भागो, और चीज़ें क्या है अपने खान पीन में चेंज करना, और मैंने मेरे खान पीन में और लाइफ स्टाइल में बहुत सारे चेंजेस किए थे, जो कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि लाइक मैंने क्या क्या खाया पिया है, क्या चीज़ें की हुई हैं, या फिर मेरा स्टार्टिंग टाइम पे मैंने क्या खाया फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ में जो है डिस्क्लोज करूंगी। बट अभी फिलहाल आज की जो वीडियो थी ना, वो इसलिए थी कि आप भी हिम्मत रखो, मिरेकल किसी के भी साथ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत पतला दुबला है तो उसी के साथ होगा। और ऐसा बोलते हैं कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, अगर वो किसी को लाइक अपने दिल से अगर विश करती है तो उसकी विश पूरी होती है। तो यहाँ पर मैं अपने किसी बहुत क्लोज वन फ्रेंड के लिए मतलब विश करूंगी, पप्पा उसकी भी मुराद पूरी करें और सब कुछ बहुत अच्छे से उसका भी हो जाए। और आप में से जितने भी लोग प्रेगनेंसी के लिए परेशान हैं, मैं पप्पा से बस यही कहूंगी कि गणपति पप्पा सबकी सुने, सबके साथ अच्छा हो, बस आप लोग पॉजिटिव रहिए, बिकॉज ये जो टाइम पीरियड होता है ना 4-5 साल तक ट्रायल करना, ये सब करना, ये बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। मैं समझ सकती हूँ उस चीज को, क्योंकि मैंने अगर 1 महीने में लोगों की एक्सपीरियंस दे करके मैं इतनी पागल हो गई थी, तो आप लोग तो बहुत कुछ स्ट्रगल कर रहे हो। तो मैं समझ सकती हूँ कि हस्बैंड वाइफ के बीच में कितनी दिक्कतें हो जाती होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं लड़कियों को होता है बहुत प्रेशराइज कर देती हैं। तो इसीलिए मैं बोलूंगी थोड़ा सा हिम्मत रखिए, टाइम लगेगा बट मिलेगा सब कुछ। तो बस होप सो कि आप लोगों को मेरा ये जो एक्सपीरियंस रहा है अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इन ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना, ताकि हम नए नए लोगों से कनेक्ट हो सके। और मेरी स्टोरी अगर आपको थोड़ी सी भी हिम्मत दे पाई होगी तो मुझे कॉमेंट में जरूर बताना कि हाँ आपको मतलब कुछ तो हिम्मत मिली है। एंड आगे चल के मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगी, लाइक मैंने अपनी डाइटिशियन से क्या डाइट प्लान लिया, या फिर मैं क्या चीज़ें फॉलो कर रही थी, कितनी चीज़ें मैंने अवॉइड की थी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इसमें अवॉइड करनी होती है, बहुत लोग को नहीं पता होती, मुझे भी नहीं पता थी, काफ़ी चीज़ें मुझे भी धीरे धीरे पता चली हैं। सो मैंने भी वो सब भी नोट डाउन कर रखा है, सो मैं वो सब भी शेयर करूंगी। फिर हर ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पे एंड करती हूँ। फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।